लोकसभा चुनाव सर पर है और ठीक उससे पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कानपुर से सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के एक नाम पर एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस लेटर में जोशी ने कानपुर की जनता से अपने मन की बात कही है। वायरल हो रहे लेटर में उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे कानपुर के मतदाता, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने सलाह दी है कि कानपुर और उसके अलावा मुझे कहीं और से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिलहाल यह लेटर कानपुर के वोटरों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, अपने अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का अपमान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कानपुर से सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को गंगा मेले के मौके पर कानपुर आना था, परंतु पार्टी हाईकमान ने उन्हें सलाह दी तो उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। यह बताया जा रहा है कि जोशी पार्टी हाईकमान के फैसले के तहत आने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जोशी को टिकट नहीं दिए जाने के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला किया है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी जी जिस तरह अपने बुजुर्ग अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का अपमान किया है, ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। हिंदू धर्म में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया गया है। सूचना अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 3 बार के सांसद व पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को 2,22,946 वोटों से हराया था। जोशी को 4,74,712 वोट मिले थे और पूर्व कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को 2,51,766 वोट हासिल हुए थे। परंतु अब हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस का यह मानना है कि यदि जोशी कानपुर से दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि शहर की जनता में उनके खिलाफ आक्रोश है। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेश मिथानी के मुताबिक डॉक्टर जोशी के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है। इसमें जोशी ने लिखा है, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल ने उनसे कहा है कि वे कानपुर या कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसी जानकारी उनके कार्यालय से बाहर आई। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश होता है हम लोग उसे सिर आंखों पर लेते हैं। हमारा काम आदेश का पालन करना है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।